क्या हो गया भाई तेरे सिर में? चोट लग गई? चार सेट आएंगे अब तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं, अलग रख दूंगा। चलो, बड़े एब्स की कमी है, ये देखो। ग्लव्स नहीं थे तो मैंने ग्लव्स दिए, ये ही भी कल आप लोगों के साथ कर दिया मैंने प्रैंक कि मेरी यसडी जावा मैंने बेच दी। विराट भाई एक गाना वाना शूट करने को कह रहे हैं, टाइटल है खून 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 कर देंगे। बड़ा वैसा है जैसे हरियाणवी टच होता है। सो गाइस ये देखो सुबह सुबह सर्दी का क्या हाल हो रखा है। इधर फ्लफी बैठी है, फ्लफी को मैंने सर्दी में जैकेट वैकेट पहना दी थी। ये देखो, तो भाई ये देखो धुंध कितनी हो रखी है सुबह सुबह। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मैं सुबह सुबह उठ गया और भाई जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ। आज तबीयत सही है, वरना दो तीन दिन से तबीयत ख़राब हो रखी थी अपनी। अभी फिलहाल उठ गया हूँ और आज मैं जा रहा हूँ जिम स्क्रैम्बलर पे। ये खड़ी स्क्रैम्बलर अपनी, और इसमें कुछ अलग सा दिख रहा आपको, देखो कुछ दिख रहा है अलग सा स्क्रैम्बलर में या नहीं अभी तक दिखा तो मैं बताऊंगा। अभी आज इसके बारे में ही है वीडियो पूरी अपनी स्क्रैम्बलर के बारे में, तो बताऊंगा आप, बाकी आप अंदाज़ा लगाओ अभी कुछ अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो भाई जल्दी जल्दी से अपना जिम कराते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। फ्लफी फ्लफी इसके पैर में चोट लग गई और दो तीन दिन से ही अपना पैर ऐसे ही कर रही है। हाँ क्या हो गया पैर में? हैं पैर में क्या हुआ फ्लफी? हाँ इसकी जैकेट बिनाई थी मैंने, लेकिन इसकी जैकेट कोई उतार देता है भाई दोपहर के टाइम, और फिर रात में फिर बिना देता है कोई इसकी जैकेट, पता नहीं कौन करता ही है। बाकी गाइस ठंड देख लो, आज ठंड बढ़िया है, आज भी लग रहा है कि सूरज वूरज निकलेगा नहीं। तो गाइस जिम चलते हैं अपना जल्दी फटाफट, वरना लेट हो जाएंगे जिम करने के बाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से। अपनी एक्सरसाइज हो गई गाइस, और कल मैंने आपका प्रैंक बना दिया, कल आप लोगों के साथ कर दिया मैंने प्रैंक कि मेरी यसडी जावा मैंने बेच दी। तो मैं प्रैंक कर रहा था आप लोगों के साथ, एक्चुअली उसमें कुछ काम चल रहा था ना पेंट वेंट का, तो इस वजह से मैं आप लोगों को अभी दिखाना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत कम्प्लीट हो जाए ना, फिर दिखाऊंगा आपको। तो आज दिखाऊंगा उसमें मैंने क्या कराया है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया था कि आप लोग अगर अंदाज़ा लगा सकते हो तो अंदाज़ा लगाओ कि इसमें क्या हुआ है आपके हिसाब से। जो बाइकर्स होते हैं ना वो पहचान लेंगे इसमें क्या काम हुआ है, ठीक है? जो मतलब जो बाइक वाइक पे इतना क्रेज़ नहीं है जिनका, वो नहीं पहचान पाएंगे। बाकी गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ, आज मुझे इसका थोड़ा सा काम और कराना है, ठीक है? अभी अपनी एक्सरसाइज निमट गई, अपना चलते हैं घर। और फिर हाँ शेव वगैरह भी तो करवानी है मुझे, शेविंग करवानी है अपनी थोड़ी बहुत, शेव से ही करवानी है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है? और धुंध अभी भी हो रखी है बाहर, ये देखो कितनी धुंध पड़ रखी है भाई साहब, ठंड बढ़िया, आज भी धूप नहीं निकलने वाली। जिम करके आ गया मैं और ठंड देखो बरकरार है। बाकी इधर खड़ी है अपनी स्क्रैम्बलर, क्योंकि अभी मुझे जाना है क्या लेने, मैं बता देता हूँ आपको भाई। मुझे जो लेने जाना है, मुझे लेने जाना है ये जेल, और मेरा जेल खत्म हो गया, जेल मुझे लेने जाना है। पता नहीं यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, और एनर्जी के साथ हो रहा है, क्योंकि आज मेरी जो तबीयत है ना वो बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। मतलब आज मैं ठीक हो गया पूरी तरीके से, लेकिन मेरे ना जीभ में छाले हो रहे हैं। जीभ में छाले क्यों हो रहे हैं ये नहीं मुझे पता गाइस कि जीभ में क्यों छाले हो रहे हैं। बाकी मैंने अपने ग्लव्स उतार के रख दिए, क्योंकि भाई जो आज सर्दी है ना तो इसमें तो ग्लव्स चलेंगे ही चलेंगे भाई। देख रहे हो मौसम, देख रहे हो स्क्रैम्बलर क्या ज़बरदस्त लग रही। तो भाई इसमें तो ग्लव्स चलेंगे ही चलेंगे। बाकी गाइस मैंने आज ये वाली टी शर्ट पहनी, इसके नीचे एक और टी शर्ट पहनी, फिर उसके नीचे एक और टी शर्ट पहनी, जबकि ये वुलन टी शर्ट है, ठीक है? मैंने तीन कपड़े तो नीचे पहने, और ऊपर पहनी अपनी लेदर जैकेट जो कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है? कैसी लग रही है शर्ट टाइप, कुछ नया स्टाइल, लूजर लूजर सी। मैं आया हुआ था अभी फिलहाल होटल पर, मुझे कुछ काम था, तो थोड़ी देर में यहाँ अपना काम वाम निपटाऊँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा मैं जेल लेने, और फिर उसके बाद जाऊंगा मैं शायद शादाब भाई के पास, और फिर मुझे करवाना है अपने स्क्रैम्बलर में थोड़ा सा काम, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है,
जितना भी होगा आप लोग देख लेना। गाइस अभी फिलहाल निकलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई इतने दिन से ना व्लॉग बढ़िया नहीं बन रहे थे। और हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को प्रैंक कर दिया था प्रैंक क्या कर दिया था, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैंने स्क्रैम्बलर बेच दी। एक व्लॉग में मुझे काफी कमेंट आ गए, मतलब काफी भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ गया, काफी भाई बोल भी रहे थे कि भाई तुमने अपनी स्क्रैम्बलर बेच दी, भाई तुमने बाइक बेच दी, भाई तुम बाइक कैसे बेच सकते हो। तो भाई मैं बाइक सच में नहीं बेच सकता, ये फैक्ट है। मेरी जितनी भी बाइक है ना, मतलब मेरे पे 6-7 7-8 बाइकें हो रही हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी पुरानी भी हैं, जो मैं अब चलाता नहीं, जो खड़ी हुई है मेरी, लेकिन मैं बेचता नहीं हूँ। बेचता इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मुझे है बाइकों से प्यार, तो इस वजह से मैं बाइक शाइक बेचता नहीं है अपनी। बाकी आज का लुक कैसा लग रहा है, आज मैंने कैप लगाई, कैप मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे बाल वाल सेट नहीं है, और ऐसे मौसम में बाल वाल सेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था भाई, नहाने का ही मन नहीं कर रहा था, बाल वाल सेट कहाँ से करेगा आज सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो लेकिन फिर भी मैंने कैप लगा ली भाई, क्योंकि उधर शहजाद भाई भी नहीं है अपने, शहजाद भाई इसलिए नहीं है, वरना उनसे ड्रायर वगैरह लगवा लेता। ड्रायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं आज बाइक पर हूँ, बाइक पर ड्रायर लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाइक पर ड्रायर लगाएंगे बाल फिर ख़राब हो जाएंगे। तो आज एनर्जी बढ़िया लग रही है ना, काफ़ी दिन बाद एनर्जी बढ़िया आ रही है व्लॉग में। बाकी अभी अपना काम निपटाते हैं गाइस और चलते हैं, ठीक है, पहले शादाब भाई के, नहीं पहले जेल, फिर शादाब भाई के पास, फिर देखते हैं जो भी कोई काम होगा। भाई मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया ये उस वाले व्लॉग में दिखा था, हाँ मैंने आज भी गाइस ये वाले शूज़ पहने हैं। और मेरा छोटा वाला भाई मुझे पता है क्या कह रहा था, उसने मुझे कमेंट कर रखा था कि भाई ये शूज़ ना मुझे सेंड कर दो, मेरी वार्डरोब में डाल दो। तो बाकी मैं सोच रहा हूँ कि उसे कुछ डिफरेंट स्टाइल का गिफ्ट दूंगा, मतलब उसी की पर्सनैलिटी के हिसाब से दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि यार ये जो शूज़ है इसकी बहुत पुरानी कहानी है, मैं बताऊँगा आप लोगों को कभी इत्मीनान से, इसके लिए पूरा व्लॉग बनाऊँगा, मटेरियल दिखाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, सब कुछ, ठीक है, चलते हैं। सो गाइस मैं अभी ग्लव्स पहन ही रहा था अपने, तो मैंने सोचा आपको खुद दिखा दूं, इधर एक मिनट मेरी वीडियो बना दे, इधर तेरा अंगूठा रहा है, इधर से पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले इधर से बस। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं, वैसे मैं आज वो पहनना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखते हैं कि कैसा लगता है, ठीक है। बाकी मेरे पास ये है, मेरे एक दोस्त ने दिया था मुझे, तो ये इस वाले कपड़ों के साथ सही लग रहा है भाई, कूल लग रहा है ना, कूल लग रहा है, बढ़िया लग रहा ना, एक नंबर। तो ये पहनूं या ना पहनूं आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये थोड़ा सा कूल सा लग रहा है आज के लुक के हिसाब से। बाकी अभी अपना थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगा और निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने भाई साहिल के पास आ गया गाइस। असल में यार मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो मैंने ग्लव्स दिए, ये हीवी को गाइस देखो ग्लव्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं ग्लव्स। तो अभी मैंने ये ग्लव्स लिए हैं, मैंने इससे लेदर के ग्लव्स लिए हैं भाई, लेदर के ला दिए मुझे पक्का कंफर्म, ठीक है। तो इसकी शॉप का ना किसी दिन आपको दूंगा रिव्यू, पूरा का पूरा रिव्यू, क्या पूरा बताऊंगा इसकी शॉप में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं भाई की। अभी तो फिलहाल मैंने इससे ग्लव्स लिए हैं, लेदर के ग्लव्स मंगा दे गए मुझे थोड़े दिन बाद भाई, जल्दी मंगा दिए, सर्दी जाने वाली, परसों क्या देता है ग्लव्स ना, ग्लव्स देता है इसको, चलो ठीक है, अभी मैं जेल लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ शादाब भाई के पास, क्योंकि जेल वाले की शॉप पे गया था, तो जेल तो मिला नहीं, अब शादाब भाई दिलवाएंगे जेल कहीं से हैं, ये हीवी को शादाब भाई, मैं तेरे नाम के आगे हीवी को शादाब भाई जरूर लगाऊं। तो भाई चाय चल रही है अभी यहाँ पे, शादाब भाई ने चाय भाई मंगा रखी है, अभी चाय पीते हैं, ठीक है। और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे भाई से भी मिले हुए, भाई को मैंने एक ग्रिल ले रखी है अपने स्क्रैम्बलर के लिए बनने के लिए, क्योंकि भाई जो काम करता है वो करता है नेक्स्ट लेवल, जाके जैसे कि मैं आपको अपने हर व्लॉग में बताता हूँ शादाब भाई के बारे में कि किंग मेकर है, जिसने किंग को मेक किया है, समझ रहे हो भाई तुम नहीं समझ नहीं रहे तुम, लेकिन समझ जाओगे काम देखने के बाद, आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि जो मैं इससे काम करवाता हूँ ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल काम करता है भाई अपना, ठीक है। बाकी अभी एक ग्रिल बना रहे हैं हम, वो ग्रिल बन जाए फिर उसके बाद छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, दिखाता रहता हूँ आपको, वो ग्रिल बना रहे हैं अब, उसका प्रोसेस चल रहा है अपना, जब वो बन जाएगी फिर दिखाता हूँ आपको। अभी तो भाई के पास बैठा हूँ, चाय वाय पीऊँगा और थोड़ा बहुत काम है, इससे जेल वेल अभी से भेजूँगा अपनी बाइक लेके, मेरा जेल ढूंढ के ये लेके आएगा मैं तो जाऊँगा नहीं, तो चाय वाय पीने के बाद फिर चलता है, ठीक है। अरे यार हीवी को शादाब भाई को अब दिखाया ना मैंने सही से, पहले मैं सही से दिखा ली पाया था। क्या हो गया भाई तेरे सिर में चोट लग गई? हाँ यह स्टाइल है, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस तो नहीं कर रहा बता दियो क्या हो गया, चोट गिर गया, धाके वाके लगे, कोई भी दवाई खाओ सही हो जाएगा। क्यों शादाब भाई? बिल्कुल भाई। तो भाई मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आप जेल वेल ले आओ मेरा,
ठीक है, बाकी हैंकी बांध के तो दिखा दो एक बार, क्या हाँ बंद हो गया क्या मुंह पे? तो भाई अभी गाइस मैं चल रहा हूँ शादाब भाई की शॉप से, शादाब भाई ले आएंगे जल्द, फिर ये मुझे कॉल कर देंगे, ठीक है भाई? ओके, आ जाऊँगा मैं, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस काम वाम निपटा के अब आया हूँ मैं फिलहाल ऑफिस पे, और थोड़ी देर ऑफिस में बैठूँगा क्योंकि मेरे से मिलने आने वाला है अभी एक लड़का विराट, तो उसे कुछ काम था, उससे मिलेंगे फिर उसके बाद देखेंगे जैसा भी कोई सीन होगा। तो भाई गाइस आज विराट भाई आए अपने आप, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे विराट भाई, और सही हो। तो भाई ये है अपने विराट भाई, इनसे बहुत पहले मिला था मैं, कितना टाइम हो गया गाइस, मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में भाई से मिल लूँ मैं, ठीक है, भाई के साथ थोड़ा सा कुछ काम की बात करनी, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अच्छा इधर राजगढ़ कॉलोनी है, हां हां, तो बता भाई आपको लोकेशन तो इधर की पता नहीं है, लेकिन सहारनपुर के रहने वाले। अच्छा तो वो सेल करवाना, चलो वो भी देखते हैं। तो गाइस मैं अभी आया अयान भाई के पास, तो भाई अयान भाई एक दो सेट और ले आओ, चार सेट आएंगे अब तुम्हारे लिए, टेंशन ठीक है नहीं, अलग रख दूंगा। चलो ठीक है भाई, लेके आ रहे हैं, भाई जा रहे हैं इस बार, देखते हैं भाई की पसंद इंशाल्लाह। वैसे तो भाई वॉर वाले ऋतिक रोशन हो रहे हैं, देखो वॉर टू वाले ऋतिक रोशन हो रहे हैं, और असली ऋतिक रोशन थोड़े एब्स की कमी है, ये देखो एब्स भी बनेंगे भाई, बनेंगे बनेंगे एब्स भी। तो भाई कल ही आएगा ना पक्का? जो इसकी मैंने अलग से चीज करी थी जो कि आपको देखनी थी वीडियो में पूरी, तो वो ये है कि मैंने इसका लेग गार्ड चेंज कराया है, और मैंने इसके लेग गार्ड लगवा दिए ये जाली वाले, देख रहे हो आप जाली वाले लेग गार्ड, ये पूरा कवर्ड करते हैं, और बाइक इसकी वजह से लगती है बहुत ही ज्यादा धांसू, देखो ये फ्रंट से बढ़िया लग रहे हैं, और ये वाले लेग गार्ड गाइस आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कस्टम मेड है, ताकि इससे पूरा का पूरा पैर भी सेफ रहेगा और बाइक का भी लुक धांसू लगेगा, थोड़ा नीचे से गंदी हो रही है, तो ये मैंने इसमें लगवाए हैं कस्टम लेग गार्ड्स जो कि बाइक को सामने से बढ़िया लुक देंगे, गाड़ी की लुक और इनहेंस हो गई है, और ज़्यादा बढ़ गई है लुक, तो यही मुझे आप लोगों को दिखाना था गाइस कि मैंने इसमें ये वाले लेग गार्ड लगाए हैं। पूरा दिन आज बढ़िया रहा, आज काम वाम भी अपना सही निमट गया, जो अपने काम थे वो कंप्लीट हो गए, लेकिन एक काम रह गया, वो सिर्फ इस वजह से रह गया क्योंकि दिन हो रहे हैं छोटे, तो इसी वजह से मैं हर बार व्लॉग में कहता हूँ कि दिन छोटे हैं, सर्दियों का टाइम है, तो इस वजह से काम रह ही जाते हैं, वो देखो बच्चे कैसे हाथ हिला रहे तो भाई काम रह ही जाता है, दिन है ना छोटा दिन है ना इस वजह से, लेकिन आज कुछ नहीं, अपने सारे काम निमट चुके हैं, सिर्फ एक काम रह गया अपना, जेल नहीं मिल पाया आज मुझे, लेकिन मैंने दो तीन जगह ढूंढा भी यार, मुझे किसी ने बताया वो जेल ही बंद हो गया आना, चलो खैर जो भी कुछ है कल देख लेंगे, बाकी अभी होटल पे बैठूंगा थोड़ी देर यहाँ पर, फिर देखता हूँ घर ही जाऊँगा, फिर उसके बाद यार एडिट भी करना है व्लॉग मुझे, क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, तो आज ही व्लॉग बनाया, तो आज इसे एडिट भी करना होगा मुझे जाके, तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।